चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, उस क्वेश्चन को ट्राई करो। तो आज की क्लास में हम पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बचा हुआ सेकंड पार्ट फिनिश करके इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। लास्ट क्लास में आपको मैंने डिक्शनरी में रैंक कैसे निकालना है वो सिखाया था। सेम यस क्वेश्चन है, सर। बस यहाँ पे दो लेटर रिपीट हो रहे हैं, एल और एल। तो आपको ये बताना है स्मॉल जो लेट स्मॉल वर्ड है डिक्शनरी में किस रैंक पे आएगा। 1 मिनट का समय, जल्दी से ट्राई करो। और बताओ आंसर क्या आएगा इसका। सर 50 है। सर कितना रहा? 58 आ रहा है। चलो यस देख लो सर। फटाफट। वेरी गुड। और किसी का आंसर कुछ आ रहा है क्या? पहले तो अल्फाबेटिकली अरेंज कर देंगे, तो ए आएगा, फिर ये सीक्वेंस रहेगा। हाँ है ना, बोलो। यस सर। तो सबसे पहले वर्ड स्टार्ट होगा ए से। ए फिक्स हो गया। ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड होंगे? टोटल कितने लेटर का? 5 वर्ड है, तो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड 4 फैक्टोरियल। ए तो मुझे नहीं चाहिए। फिर अगला नंबर आएगा एल्स का, तो अच्छा एक चिकन। ए सही लिखा है मैंने? ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड 4 फैक्टोरियल होंगे क्या? कि मिस्टेक कर दिया यहाँ पे कुछ? बताओ ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने होंगे? सोचो तो जरा। एक छोटी सी गलती है यहाँ पे, बताओ क्या गलती है। बोलो। सर 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। हाँ वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे दो एल दो बार रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चे पे 4 लेटर को अरेंज करना है, उसमें दो एल आ रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा, यस तो ये ध्यान रखना है। तो ए से स्टार्ट होने वाले 12 लेटर होंगे, सॉरी 12 वर्ड होंगे, वो तो मुझे लेने नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे अपन। अगला होगा एल से स्टार्ट। एल से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड होंगे बताओ? सर फोर फैक्टोरियल हाँ ये 4 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि एक एल चला जाएगा तो बच्चे पे 4 लेटर डिफरेंट है, आया यस ना। सर। अच्छा अब क्या मुझे वापस एल लिखना पड़ेगा कि एम आएगा अगला? सर एम आएगा अगला। एम आएगा, क्योंकि वापस एल लिखो तो बात तो वही हो जाएगी, वापस एम थोड़ी यस लिखेंगे। अगला क्या है? एम। अब एम से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड होंगे? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। वेरी गुड, वापिस से 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। यस सर। एम भी नहीं चाहिए। एम के बाद अब आएगा एस। एस तो चाहिए, तो एस को लॉक कर दो, जो चाहिए उसको लॉक कर दिया करो। एस तो चाहिए मुझे, यस सर। इसको लॉक कर दिया। अब एस के बाद अगला सीक्वेंस में कौन आएगा? ए आएगा, ए लेकिन ए मुझे यस नहीं सर। चाहिए, तो एस ए से स्टार्ट होने यस वाले वर्ड कितने होंगे?
बच्चे तीन लेटर, थ्री फैक्टोरियल डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल यस सर, क्योंकि एल दो बार आ रहा है। अब ए, ए, ए के बाद अगला नंबर आएगा एल का, एस तो लॉक हो चुका था, अगला नंबर आएगा एल का, एल भी नहीं चाहिए। अब देखो बच्चे क्या कौन कौन से लेटर, इसका थ्री फैक्टोरियल ही आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। अब एल के बाद अगला सीक्वेंस में आता एम, तो एम चाहिए तो जो चाहिए उसको लॉक कर दो, तो पूरा लॉक कर दिया, एम भी लॉक हो गया। फिर अगला नंबर किसका आएगा, ए का, ए भी चाहिए तो ए भी लॉक हो जाए। फिर अगला दोनों नंबर एल का आएगा, तो ये तो नंबर मुझे चाहिए, मतलब मेरी यही रैंक आ जाएगी। अभी कौन सा नंबर आएगा गिन लो फटाफट, 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 24 48, 48 प्लस 3 51, 51 प्लस 6 57, तो ये कौन से नंबर पे आएगा, 58। वेरी गुड, समझ में आ गया। वैसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप अब कर सकते हो, आया ना? यस सर। वेरी गुड। अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं कि नहीं जानते? यस सर। किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकालते हैं, 2.7 का 2, 2.9 का 2, 3.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर नेगेटिव में बस उल्टा हो जाता है, हाँ ना, ये सबको पता है ना? यस सर। इसका भी यूज होगा एक तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अब जैसे मान लो आपको कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे मान लो पूछा है कि फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 50 फैक्टोरियल, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 6, 50 फैक्टोरियल 6 का एक्सपोनेंट कितना होगा, 50 फैक्टोरियल कितना, 50 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट, मतलब कहने का मतलब क्या है, 50 फैक्टोरियल होगा क्या, 1 into 2 into 3 अप टिल 50 है ना? यस सर। बोलो इसमें 2 की कुछ पावर होगी, 3 की कुछ पावर आएगी? यस सर। सारे जितने प्राइम नंबर है उनकी कोई ना कोई पावर आएगी। Yes, sir. तो इसमें 2 की पावर कितनी आएगी ये पूछा गया, ये 2 की पावर कितनी होगी ये पूछा गया, तो क्या बता सकते हो 2 की पावर कितनी आएगी, इसका कोई तरीका याद है? क्वेश्चन समझ में आ गया, पूछा क्या है, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब पावर, 50 फैक्टोरियल का जब एक्सपेंशन होगा उसकी सारी पावर को कलेक्ट करेंगे, उसमें 2 की पावर कितनी आएगी या फिर 3 की पावर कितनी आएगी, और मान लो कुछ भी पूछे 6 की पावर कितनी आएगी ये पूछा गया। इसका एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा मेथड है, उस मेथड को ध्यान से समझो। देखो 50 फैक्टोरियल में 2 की पावर पूछा है ना, तो आपको क्या करना है, 50 को डिवाइड करना है एक तो 2 से, और फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, 50 को डिवाइड करना है 2 की और हायर पावर, 2 की पावर यहाँ पे 1, अगले 2 की पावर 2 से, जब तक करते जाना जब तक ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 0 मतलब आंसर डेसिमल 1 से कम ना आ जाए। 2 क्यूब से करेंगे, 50 को डिवाइड करेंगे 2 की पावर 4 से, 50 को डिवाइड करेंगे 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना आता है, 32 है ना, जब 50 को 2 की पावर 6 लोगे तो ये 64 आ जाएगा, तो इधर 0 हो जाएगा, तो आगे करने की जरूरत है क्या मुझे, बोलो 50 अपॉन 64 कितना आएगा, 0 पॉइंट समथिंग, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 ही आएगा, समझ में आ रहा है? तो अगर 2 का एक्सपोनेंट पूछा है तो 2 का एक्सपोनेंट कितना आएगा, ये जो एक्सपोनेंट है ये कितना आएगा, ये मान लो एक्सपोनेंट x, तो ये x निकालने के लिए ये तरीका है, 50 अपॉन 2, 50 अपॉन 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 50 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 25, 50 अपॉन 2 का स्क्वायर मतलब 4, 50 को 4 से डिवाइड करो कितना आएगा बताओ, 12 पॉइंट समथिंग आया ना, 12 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 12, 50 को 8 से डिवाइड करोगे, 8, 8, 6, 48 होता 6 पॉइंट समथिंग, 8 के बाद 50 को डिवाइड करेंगे 16 से, 50 डिवाइड बाय 16 करोगे तो 16 के आसपास कौन आएगा, 3 से, 3 पॉइंट समथिंग होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 3, और 50 को डिवाइड करोगे 32 से, तो 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 1, इन सबको अगर ऐड कर दोगे तो कितना आ रहा है, 10 प्लस 25 35, 35 प्लस देखो एक बार कितना रहे, 35 प्लस 12 47,
तो 50 फैक्टोरियल में 2 की पावर कितनी आएगी? 47। समझ में आया कि नहीं आया बताओ जल्दी से। आया कि नहीं आया जल्दी बोलो। यस सर। नहीं समझ में आया तो पूछ लो वापिस से, लेकिन हाँ या ना जवाब तो दे दो। ये समझ में आया कैसे निकाला? 2 की जो पावर x है वो ऐसे निकाले। अच्छा अब थ्री की पावर कितनी आएगी आप पता करो। सेकेंड पार्ट 3 की पावर कितनी आएगी सेम वे में? 3 के लिए बताओ आंसर कितना है। कितना आ रहा है? 22। अच्छा तो वेट देख लेते हैं 50 अपॉन 3 का ग्रेटेस्ट इन नीचे 21 देखते हैं। पावर बढ़ाते जाओगे जब तक 50 से बढ़ाना आ जाए, बस इसके आगे तो 81 आ जाएगा। इतना ही करेंगे 50 डिवाइड बाय 3 एप्रोक्सीमेट कितना आएगा? 16 पॉइंट समथिंग। Yes, sir. तो 16 50 अपॉन 9 कितना आएगा? 5 50 अपॉन 27 1 आएगा? Yes, sir. तो कितना आ रहा है? 22। तो 3 की पावर कितना आएगा? 22 आएगा। क्लियर हो गया? Yes, sir. अब लॉजिकली बताओ लास्ट 6 की पावर कितना आएगा? 9 देखो ये जो मेथड हम अप्लाई करते हैं, दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्राइम नंबर। ठीक है ध्यान रखना, ये गलती हो सकती थी इसलिए 6 दिया मैंने। ये जो मेथड मैंने अप्लाई किया इसका डेरिवेशन खैर आपके सिलेबस में नहीं है अभी, लेकिन ये मेथड सिर्फ ध्यान रखना ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर प्राइम नंबर। 2, 3, 5 क्या 6 प्राइम नंबर है? नो सर। आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। देखो ये जो 50 फैक्टोरियल आ रहा था इसमें मैंने ये पता करा 2 की पावर मेरी 47 बन रही है, 3 की पावर मेरी 22 बन रही है, इसी तरह 5 की कुछ ना कुछ पावर आएगी, फिर 7 की कुछ ना कुछ पावर आएगी एंड सो ऑन। अब लॉजिकली बताओ इसमें 6 की पावर कितनी बनेगी? 6 बनाने के लिए 2 और 3 को कंबाइन करना पड़ेगा, तो 2 और 3 की कितनी पावर है मेरे पास कंबाइन? इस टोटल 3 की 22 पावर है, तो यहां से 22 पावर लेना पड़ेगा 2 से भी, 6 की पावर भी जो कम आएगी वही आएगा ना दोनों में से कम, और 2 की तो कुछ पावर बच जाएगी, तो कितनी बच जाएगी? 25 आया ना? आया समझ? यस सर। इन दोनों को कंबाइन करूंगा 2 और 3 को तो 6 बनेगा, और 3 कितना अवेलेबल है? 22, तो 2 में से 2 की पावर 47 में से 2 की पावर 22 निकाल लेंगे अलग, दोनों कंबाइन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6, तो 6 की पावर कितना आएगा? 22 आएगा। क्लियर है? यस सर। पक्का समझ में आया? बोलो हाँ या ना? सर एक बार रिपीट कर दो। यस सर। कोई बात नहीं रिपीट कर देता हूँ, पूछ लिया करो अच्छी बात। एक सेकंड यहाँ पे मेरा
क्वेश्चन क्या था कि 50 फैक्टोरियल में 2 की पावर 2 का एक्सपोनेंट क्या होगा, ये पूछा गया था। इसका मेथड ये होता है, या 50 को पहले 2 से डिवाइड करो, फिर 2 स्क्वायर से करो, फिर 2 क्यूब से करो, 2 की पावर 4 से, इस तरह से करते जाओगे और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो। उसका क्या ले लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट। अब ठीक है, उसका क्या ले लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट। लेकिन ये जो मेथड मैंने बताया, ये मेथड एप्लीकेबल है सिर्फ प्राइम नंबर के लिए, क्योंकि आप जब किसी का भी वो जो लिखते हैं एक्सपांडेड फॉर्म में, इसे लिखते प्राइम नंबर के टर्म्स में लिखते हो ना एक्सपांडेड फॉर्म, है ना? ठीक है, तो ये जो मेथड अप्लाई बताया सिर्फ प्राइम नंबर के लिए ही एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट वाले 2 में तो एप्लीकेबल कर दिया। अब थर्ड वाले पार्ट में 6 की पावर पूछा गया, 6 की पावर क्या आएगा? अब 6 बनाने के लिए क्या करोगे, 2 और 3 कंबाइन होंगे तो 6 बनेगा, है ना? अरे बोलो, 2 और 3 कंबाइन होंगे तो 6 बनेगा। अब वैसे मान लो मेरे पास कोई नंबर है n जिसके अंदर 2 की पावर 4 है और 3 की पावर मान लो 2 है, इसमें 6 की पावर कितनी बन सकती है? तो 6 बनाने के लिए आपको 2 भी चाहिए और 3 भी चाहिए, लेकिन 3 तो 2 ही अवेलेबल है, तो इन दो इनके साथ 2 2 दे देंगे और 2 2 बच जाएंगे, तो 2 की पावर 6 की पावर कितनी बनेगी, 2 ही तो बनेगी, तो जो छोटा होगा वही आएगा, है ना? 6 बनाने के लिए 2 और 3 दोनों की रिक्वायरमेंट है, लेकिन 3 मेरे पास 2 ही है, तो 2 3 ही है, तो 3 ज्यादा तो ला नहीं सकता, तो 2 3 है और 2 से 2 और 2 उधार ले दो, आपके पास 6 बन जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे 3 की पावर कितना आ रहा था, 22, 2 की पावर, अब 2 तो बहुत सारे थे लेकिन 3 तो 22 ही है ना, अब 6 बनाने के लिए 2 भी चाहिए 3 भी चाहिए, तो जितने 3 कम है मेरे पास, तो जितने 3 होंगे उतना ही तो 6 बनेगा, बोलो, जितने 3 होंगे, क्योंकि 3 कम है ना, 2 तो बहुत सारे हैं लेकिन मेरे को 2 और 3 दोनों चाहिए, तो मेरा 6 की पावर कितना आएगा, 22 आएगा। तो जो कम होता है वो ले लेते हैं, ऐसा याद रखना, जो कम होता है वो ले लेते हैं। अब नेक्स्ट होता है सर्कुलर अरेंजमेंट। अब तक अपन ने जो देखा था वो सब क्या था, लीनियर, 5 लोगों को चेयर में बिठाना, 5 लोगों को चेयर में बिठाने का तरीका क्या था, 5 फैक्टोरियल, है ना? 5 लोगों को चेयर में बिठाने का तरीका क्या था, 5 फैक्टोरियल था, है ना? याद आ रहा है? अब सर्कल के केस में, सर्कल के केस में क्या होता है, जैसे मान लो, वैसे इसका फॉर्मूला डेरिवेशन बहुत अच्छा है, अगर शॉर्ट में आपको समझाना चाहूं, टाइम वैसे कम है अपने पास, फिर भी अगर मान लो 3 लोग होते हैं, 3 लोगों को लीनियरली अरेंज करने का तरीका क्या होता है मेरे पास, 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 तरीके होते हैं फैक्टोरियल। जैसे मान लो 3 लोग ए बी सी, तो ए बी सी को अरेंज करने के 6 फैक्टोरियल, 6 तरीके कौन से होते हैं, ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए, ये टोटल 6 तरीके हो गए, है ना? सही है सर। लेकिन सर्कल में क्या होता है, जब इन्हीं लोगों को अगर मुझे सर्कल में अरेंज करना होता, देखो ध्यान से, वो शॉर्ट में आपको डेरिवेशन, मतलब डेरिवेशन नहीं, लॉजिक समझा रहा हूँ क्या होता है। अब इन्हीं लोगों को मान लो मैं सर्कल में अरेंज करता, ए बी सी, ये सर्कल के 3 टेबल, अगला ए सी बी, फिर क्या था, अगला बी ए सी, फिर अगला क्या बी सी ए, फिर अगला था सी ए बी, और एक फिर था सी बी ए। अब समझ आ चुका। अच्छा, सर्कल का कोई स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट होता है क्या? नो सर। सर्कल तो सर्कल होता है, कहीं से भी देखो सर्कल ही है ना? यस सर। अभी सर्कल में, अब लीनियरली 6 अरेंजमेंट थे, इन्हीं लोगों को अगर मैंने सर्कल में बिठा दिया तो ये हो गया। अब यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि ये देखो, ये जो सीक्वेंस एबीसी है, ये वाला एबीसी, ये वाला, और कौन सा एबीसी सीक्वेंस में, ये वाला एबीसी, ए के बाद बी के बाद फिर सी आ रहा है, और यहाँ पे भी ए के बाद बी के बाद सी आ रहा है, ये तीनों अलग अलग नहीं, ये तीनों को मैं एक ही काउंट करूंगा, इन तीनों को मैं 3 काउंट नहीं करूंगा, क्या काउंट करूंगा, एक ही, क्योंकि यहाँ पे देखो रिलेटिव पोजिशन सबकी सेम है। यस सर। सर्कल है ना, सर्कल तो कैसा भी, मतलब समझ पा रहे हो? यस सर। मान लो एक मर्सिडीज का सिंबल है, वो ऐसा हो, अब इस पॉइंट को मान लो मैं नीचे ला दू, और इस पॉइंट को मान लो मैं इधर ला दू, तीनों ही केस में मतलब बेसिकली सेम ही है ना, शेप तो एक जैसे ही आ रहा है। यस सर। यानी मतलब ये रिलेटिव पोजीशन, जैसे ए के, अगर जैसे यहाँ पे बात करूं तो ए के लेफ्ट में बी है, राइट में सी है, यहाँ पे भी ए के लेफ्ट में बी है, राइट में सी, और यहाँ पे भी ए के लेफ्ट में बी और राइट में सी है, तो तीनों की रिलेटिव पोजीशन सेम है, तो इन तीनों को हम 3 अलग अलग काउंट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सर्कल के केस में ये एक ही बार काउंट होगा,
आ रही बात समझ में? और वैसे ये वाला भी अगला जो है, यहाँ पे क्या सीक्वेंस आ रहा है, ए सी बी, यहाँ पे भी देखो ए सी बी और यहाँ पे भी क्या रहा है ए सी बी, तो इन तीनों को भी अपन क्या करेंगे, एक ही काउंट करेंगे। तो ओवरऑल तीन लोगों को सर्कल में अरेंज करने के कितने तरीके हो गए? दो तरीके है ना, दो तरीके, थ्री पीपल कैन बी अरेंज्ड इन सर्कल इन टू वेज। तो बेसिकली किया क्या, टोटल जो तरीके थ्री फैक्टोरियल, ठीक है, आपका आंसर क्या है, टू फैक्टोरियल, मतलब एन माइनस वन फैक्टोरियल आए। बेसिकली क्या होगा, थ्री फैक्टोरियल डिवाइड बाय थ्री, लेकिन तीन, ये तीन एक हो गया, ये भी तीन एक हो गया है ना, तो ये क्या हो गया, दैट इज थ्री फैक्टोरियल डिवाइड बाय थ्री को आप टू फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। यस सर, तो यही लॉजिक बेटा, यस, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एंड डिस्टिंक्ट। अच्छा डिस्टिंक्ट अब तक अपन ने जितना भी चीजें सका सब डिस्टिंक्ट के लिए देखा, कल भी मैंने बताया था जितने फॉर्मूले अभी तक पढ़े सब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सर्कल इज व्हाट, एन माइनस, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, क्लियर है? अच्छा अब सर्कल में भी तीन तरह के ना केस, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं है, कोई रिलेटिव पोजीशन नहीं, ओवरऑल मैं देख रहा हूँ, ओवरऑल इन तीनों को एक ही काउंट करूंगा, इन तीनों को भी मैं एक ही काउंट करूंगा, इसलिए मेरे टोटल तरीके कितना है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n, दैट इज n माइनस 1 फैक्टोरियल। आगे बात समझ में है ना? यस सर। यहाँ पे कभी कभी कोई क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, जैसे मान लो घर में एक डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल में मान लो कुछ लोग बैठे हुए हैं, उस डाइनिंग टेबल पे यहाँ पे कोई दीवार है और यहाँ पे दीवार पे कोई तस्वीर है, ठीक है, अब इस तस्वीर के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू दिस, यहाँ पे अरेंजमेंट मुझे करना है, मान लो जो भी चार पांच लोगों का, एक दो तीन चार पांच छह, अब इस तस्वीर के रेस्पेक्ट में मुझे अरेंजमेंट देखना है। अब इस अगर मान लो किसी के रेस्पेक्ट में अगर मैं देखूंगा, अब जैसे मान लो यहाँ पे कोई तस्वीर होती है, तस्वीर के रेस्पेक्ट में ये वाला और ये वाला और ये वाला तीनों डिफरेंट कहलाएंगे कि सेम कहलाएंगे, बताओ? डिफरेंट होंगे, ये डिफरेंट होंगे ना, अगर यहाँ पे मैंने किसी का रेस्पेक्ट ले लिया, तस्वीर तो फिक्स हो गई, अब इसके रेस्पेक्ट में ये तीनों अरेंजमेंट मेरे डिफरेंट हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि एक बार ए सामने आ रहा है, दूसरी बार बी सामने आएगा, तीसरी बार सी सामने आएगा, तो इन तीनों को अपन अलग अलग काउंट करेंगे कि एक ही बार काउंट करेंगे, अलग अलग, तो बेसिकली मेरा एक तरह का लीनियर अरेंजमेंट हो गया। तो कभी भी क्वेश्चन में बोला किसी के रेस्पेक्ट में, दरवाजे के रेस्पेक्ट में, तस्वीर के रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताओ, तो यहाँ पे जैसे मान लो कितने लोग, एक दो तीन चार पाँच छह लोग, नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, छह फैक्टोरियल ही रहेगा, ठीक है। तो आपको ये लॉजिक याद रखना है कि सर्कुलर में किसी के रेस्पेक्ट में अगर आता है क्वेश्चन, किसी के रेस्पेक्ट में आपको काउंट करना है, तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, एन फैक्टोरियल ही रहेगा, फॉर्मूला क्या रहेगा, एन फैक्टोरियल। क्या बात समझ में आई? यस सर जी। तो दो दो चीज हमने यहां तक पढ़ ली है, एक और चीज, एक सेकेंड, अब एक क्वेश्चन आते हैं, ये हार के और फूल माला के, जो हार होते हैं नेकलेस, yes, और फूल माला। अब हार और हार की और फूल माला की क्या खासियत होती है, कि उसको आप एंटी क्लॉकवाइज पहनो या क्लॉकवाइज पहनो, बात को सेम ही है। yes, yes, मतलब ऐसे पहनो या घुमा के पहनो, दोनों से हार हार ही दिखता है, तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को अपन एक सिंगल ही काउंट करते हैं। तो जो भी देखो सर्कल में जितने भी सर्कल में नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन सर्कल कितने होते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कल, एन ऑब्जेक्ट को सर्कल में अरेंज करने का तरीका कितना होता है, एन माइनस वन फैक्टोरियल है ना, रियल। इसमें अगर इफ अगर मैं बोलूं भाई एंटी, यहाँ पे मेरे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज अलग अलग मैंने काउंट किए थे, एंटी क्लॉकवाइज को अलग काउंट किया था, क्लॉकवाइज को अलग काउंट किया था, लेकिन अगर मैं ये बोल दूं भाई एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को सेम काउंट करो, इफ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज आर टू बी कंसिडर सेम, तो उस केस में आधे एंटी क्लॉकवाइज होंगे आधे क्लॉकवाइज होंगे, देन नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, बताओ, आधे हो जाएगा इसका,
है ना, डिवाइड बाय टू कर दोगे, क्योंकि देखो इस यहाँ पे आधे एंटी क्लॉकवाइज आधे क्लॉकवाइज होंगे, और एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को अगर मुझे एक ही ट्रीट करना है तो टोटल ओवरऑल डिफरेंट अरेंजमेंट कितने होंगे, एन एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय टू है ना, आ रही बात यस समझ में? सर। और ये किसके एग्जांपल है, ये कौन से केसेस है, नेकलेस वाले या नेक्स्ट फिर गार्लैंड मतलब फूल की माला, इस तरह के जो भी क्वेश्चन आते हैं वहां पे आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई टू। तो सर्कल के केस में आपको तीन फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन ऑब्जेक्ट एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन अ सर्कल इज एन माइनस वन फैक्टोरियल, विद रेस्पेक्ट टू सम वन करेंगे तो एन सर, फैक्टोरियल, और नेकलेस हार वाले क्वेश्चन में करेंगे तो एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय टू। आगे बात समझ में? टू, यस क्लियर है? सर। यस चलो ये दो क्वेश्चन कर। क्या आएगा फर्स्ट आंसर? फोर फैक्टोरियल, सेकंड का फोर फैक्टोरियल बाय टू, तो पारा समझ में आया ना? यस सर, यस सर, यस सर, यस तो एक सर, थोड़ा सा और सर्कल में यस अच्छी अच्छे लेवल का एक क्वेश्चन और करते हैं। 1 मिनट का समय, आराम से सोचो, फिर मैं सिखाता हूँ। इससे बढ़िया पीएलसी आपको ऑनलाइन कहीं नहीं मिलेगा। जितनी आसान भाषा में मैं समझा सकता था उतनी आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? और एक चैप्टर अच्छे अच्छे का अच्छे अच्छे को टफ लगता है, क्वेश्चन होते ही नहीं इसके। और पीएनसी में अगर आपका स्ट्रांग हो गया तो इस साल जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत कम आएगी। बाकी आपकी वर्कशीट में डिटेल 4 वीडियो और भी हैं पिछले साल के मेरे, आपको और अच्छे से समझना हो तो कभी किसी दिन टेस्ट के बाद उन 4 वीडियो को देख लेना, उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन कराए गए। ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, टफ कैटेगरी, मीडियम से टफ कैटेगरी में आता है। क्या है फर्स्ट का आंसर? 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अच्छा, ये ऑल गर्ल्स टुगेदर ये कौन सा मेथड है, कल सिखाया था? गैप गैप के इन द बॉक्स, बॉक्स, बॉक्स बॉक्स मेथड। मेथड, बॉक्स गैप में मेथड, थोड़ी बिठाना, सबको साथ में रखना, तो एक डब्बे में बिठा तो है ना, यस सर, यस सर, तो भैया इनको एक बॉक्स में बिठा दो। G1, G2, G3, G4, इस बॉक्स को सिंगल मेंबर ट्रीट करेंगे, है ना? यस सर, छह अब बच्चे कितने, 6 बॉयज, बॉयज, यस P1, P1, P2, B3, B4, B5, B6। तो अब सर्कल में टोटल कितने मेंबर हैं, सेवन 7 मेंबर, सात सेकंड, मेंबर, 7 मेंबर इन अ सर्कल, 7 मेंबर को सर्कल में अरेंज करने का कितना तरीका होता है, 7 6 फैक्टोरियल, माइनस 6 फैक्टोरियल, सिक्स वेरी। फैक्टोरियल क्या यही आंसर होगा या फिर और कुछ भी करना पड़ेगा? सर, गर्ल्स खुद में भी तो हो सकती हैं अरेंज। हाँ, तो गर्ल्स गर्ल्स को आपस में भी अरेंज करना है। अब तो गर्ल्स तो आपस में लीनियरली अरेंज होगी इंटू 4 फैक्टोरियल, यस है ना? सर, आपका आंसर क्या जाएगा, 6 फैक्टोरियल यस मल्टीप्लाई बाय सर, फोर फैक्टोरियल। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? आप तो बहुत अच्छा, एक्चुअली हार्ड क्वेश्चन आता है एक तरह का, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलो, सर आ गया।
अब सेकंड का लेवल अच्छा है, सेकंड लेवल एडवांस लेवल क्वेश्चन, अब इसको ट्राई करो। हाँ बोलो बोलो सर। गर्ल्स में खाली फोर फैक्टोरियल क्यों कर दिया फिर? क्योंकि देखो गर्ल्स किस तरह से, देखो सर्कल में गर्ल्स किस तरह से बैठेगी, G1 G2 G3 G4 मतलब एक इस तरह से बैठेगी, समझ पा रहे हो? साथ में ही है ना, तो ये आपस में तो लीनियरली अरेंज होगी ना, सर्कुलर अरेंजमेंट थोड़ी गर्ल्स में, आपस में गर्ल्स आपस में तो एक लीनियर अरेंजमेंट होगा, समझ पा रहे हो? यस सर। पूरा सर्कुलर अरेंजमेंट होता तो मैं उसको थ्री फैक्टोरियल करता, पर ये गर्ल्स को आपस में अरेंज करना था, आपस में तो ये चार फैक्टोरियल तरीके से हुआ क्योंकि आपस में तो ये लीनियर अरेंजमेंट है। ठीक है चलो बी पार्ट करो, बी पार्ट और अच्छा है। नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, तो ये कौन सा मेथड? फैक्टोरियल देखते हैं, लॉजिक लगाते हैं। No two girls are together. तो पहले boys को बिठा देते हैं। कितने boys हैं? 6 boys हैं। 6 boys। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 boys हो गए मान लो ये। Gap कितने? पिछली बार याद है? पहले boys को बिठा, फिर number of gap। 7। पिछली बार 6 boys थे तो 7 gap थे, लेकिन इस बार gap कितने? सर्कल में तो एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो गया ना, तो दो गैप तो एक ही गैप कहलाएगा। अब देखो पहले लीनियर में 7 गैप होते थे, अगर 6 लोग हैं तो 7 गैप होंगे। देखो ध्यान से, अगर लीनियर होता 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो कितने गैप थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लीनियर केस में 7 गैप्स होते थे, लेकिन सर्कल में देखो कितने? 6 गैप। 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 ही तो गैप है ना, तो जितने लोग उतने गैप होंगे सर्कल। अब इन 6 गैप में से मुझे कितने गैप सिलेक्ट करने? 4। यही तो किया था सर, वहां पे भी है ना, पहले गैप्स देखे थे कितने, अब उन 6 गैप में से 4 गैप सिलेक्ट करेंगे, तो 6 में से 4 गैप को सिलेक्ट करने का तरीका तो वही होगा, 64। समझ में आ रहा है? यस सर। तो आपने क्या करा भाई, कोई भी 4 गैप सिलेक्ट कर लिया, मान लो एक गैप ये सिलेक्ट कर लिया, एक ये सिलेक्ट कर लिया, और एक ये सिलेक्ट कर लिया, और एक ये सिलेक्ट कर लिया। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। अब क्या करेंगे, क्या सबको साथ में अरेंज करेंगे कि बॉयज को बॉयज में अरेंज करेंगे, गर्ल्स को गर्ल्स में अरेंज करेंगे? अलग अलग अरेंज करेंगे। अलग अलग ही करेंगे, साथ में करोगे तो फिर सब मिक्स हो जाएगा, मुझे तो गैप में बिठाना है ना, तो बॉयज को बॉयज में अरेंज करने का तरीका कितना होगा? 5 फैक्टोरियल है ना। यस बोलो, बॉयज को बॉयज में अरेंज करने का तरीका कितना होगा? 5 फैक्टोरियल। और गर्ल्स को गर्ल्स में अरेंज करने का तरीका? 4 फैक्टोरियल। हाँ, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 64 करने से क्या हो गया, जगह फिक्स हो गई। यस सर। है ना, दो बॉयज के बीच में जगह क्या हो गई? फिक्स। अब मान लो, जैसे मान लो ये गर्ल 1 है, गर्ल 2 है, गर्ल 3, गर्ल 4, एक ही अरेंजमेंट है। अब देखो, अगर या तो n माइनस 1 फैक्टोरियल लगा, या तो n फैक्टोरियल लगा, या तो 3 फैक्टोरियल लगा, या 4 फैक्टोरियल, दोनों में लॉजिक समझा रहा हूं मैं, ध्यान से समझो। एक ही अरेंजमेंट है, और मान लो मैं इसी सीक्वेंस में बस इतना सा चेंज कर देता, सीक्वेंस वही रखता, G1 G2 G3 4। पहले मान लो आपका G1 यहाँ पे था, अब मान लो G1 को यहाँ रख दू, G1 G2 G3 G4, तो ये दोनों अरेंजमेंट क्या सेम काउंट होंगे, क्या अलग अलग काउंट होंगे? अलग अलग काउंट होंगे ना, क्योंकि आप बॉयज के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो किसी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो वापस क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल। समझ में आया? इसलिए थोड़ा टफ सर, जनरली 3 फैक्टोरियल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं ध्यान, देखो 3 फैक्टोरियल कब आया था, जब मैंने कहा था कि भाई एंटी ये सबको सेम आ रहा है लॉजिकली, कि यहाँ पे ए बी सी बी सी ए और ये सीक्वेंस अगर सेम आता तो अपन क्या करते हैं, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन, यहाँ पे क्या रहा है, सीक्वेंस सेम था, लेकिन किसी के रेस्पेक्ट में करते तो वो एन फैक्टोरियल। अब यहाँ पे क्या है ना, जैसे मान लो ये आपने एक ये ले लिया,
इसी में अगर मैं जी वन जी टू जी थ्री फोर लेता है या फिर जी वन जी टू जी थ्री जी फोर लेता है, वो सब सेम काउंट होते, अलग अलग काउंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉयज भी आ रहे हैं, तो बॉयज के रेस्पेक्ट में आंसर क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, एक बार उस घर पे इस पे थोड़ा विचार विमर्श करना। ठीक है, चलो, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? सर नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ तो आप नोट्स भी बना लो। डिवीजन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन को पढ़ के ही आप लोगों को जज करना होगा कि डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। सीखो इसको। सबसे पहले अभी हम बात करेंगे डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है, फिर बाद में देखेंगे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के लिए। अब सुनना ध्यान से, डिवीजन करना है और फिर मान लो डिवीजन के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है किसी किसी केस में। सबसे पहले हम डिवीजन के बारे में सोचते हैं, डिवीजन कैसे करना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे डिवीजन का। एग्जाम्पल के तौर पे पहले देखते हैं, मान लो मेरे पास 7 डिफरेंट टॉयज थे, उनको मैंने उनको मुझे 3 ग्रुप में बांटना है। कितने ग्रुप में बांटना है बोलो? 3 ग्रुप में। एक ग्रुप में 4 टॉय होने चाहिए मान लो, दूसरे ग्रुप में 2 टॉय होने चाहिए और एक ग्रुप में मान लो 1 टॉय होने चाहिए। ठीक है, 7 टॉय को 3 ग्रुप्स में बांटना है, एक ग्रुप में 4 टॉय रख देना है, एक ग्रुप में 2 टॉय, एक ग्रुप में 1 टॉय। तो इन 7 टॉय को 3 ग्रुप में डिवाइड करना, मतलब ये डिवीजन के कितने तरीके होंगे? नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड 7 डिफरेंट टॉयज इन 3 ग्रुप्स, 1 ग्रुप कंटेन 4 टॉयज, अनादर 2 टॉयज एंड अनादर 1 टॉय। तो बताओ क्या तरीका होगा, बेसिक फंडामेंटल से बताओ किस तरीके से सोचेंगे। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। इसको अगर आपको मान लो समझ में नहीं आता, ऐसा समझो मान लो मेरे पास 7 डिफरेंट लेटर है, ए बी सी डी ई एफ, कितने हो गए? जी। मुझे इसको 3 ग्रुप्स में बांटना है, एक ग्रुप में 4 आने चाहिए, एक किसी दूसरे ग्रुप में 3 आने चाहिए, एक ग्रुप में मान लो 1 आना चाहिए। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं अलग अलग? तो देखो क्या क्या हो सकते हैं, मान लो यहाँ पे कोई ए बी सी दे दिया, या डी ई दे दिया, डी एफ हो गया, यहाँ पे जी दे दिया, हो सकता है यहाँ पे ए बी डी जी दे दू, यहाँ पे ई एफ सी दे दू, यहाँ पे क्या बच गया, डी दे दू। समझ आ रहे? तो ऐसे कितने तरीके होंगे ये काउंट करना। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो इसको बस सिंपल तरीके से करना है। देखो पहले 4 टॉय लेना है, पहले कितने लेना है? 4। तो 7 में से 4 टॉय को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होते हैं? 7 में से 4 टॉय, 7c4 यहाँ 4 टॉय रख देंगे। फिर बचे हुए में से 2 टॉय और लेना है, कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। 3 में से 2 टॉय को सिलेक्ट करने के लिए 3c2, फिर लास्ट में 1 टॉय बचेगा और एक ही रखना है, तो 1c1 एक तरीका ही होगा, उस लास्ट टॉय को ले लो। इसको जब आप सिंपलीफाई करोगे तो कितना आएगा? 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, एक सेकंड है, यह जगह कंफर्टेबल, इसका एक्सप्रेशन देखना बहुत अच्छा आएगा। 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। क्लियर हो गया? यस सर। बहुत ही अच्छा सिमेट्रिकल आंसर आ रहा है।
सात लोगों को तीन के ग्रुप में बांटना था, जिसमें एक में चार जाए, एक में दो जाए, एक में एक जाए, उसके नंबर ऑफ तरीके कितना आ गए? 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, हाँ है ना, इसको याद भी रख सकते हैं। तो यही आपका फॉर्मूला बना। अगर मान लो इसी में एक और क्वेश्चन आता, मान लो आठ ऑब्जेक्ट है, आठ ऑब्जेक्ट को तीन ग्रुप में बांट रहा हूं मैं, एक में चार है, एक में मान लो दो है, एक में मान लो चलो तीन है, और एक में मान लो दो है, कितने हो गए? चार और तीन सात आठ नौ, नौ है मान लो, चलो नौ ऑब्जेक्ट को तीन ग्रुप में बांटना। तो बताओ इसके कितने तरीके होंगे? फाइनल आंसर क्या आएगा? फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। बाकी तरीका कैसा है वो तो आपको डेरिवेशन मैंने बताई दिया, बाकी आप इस तरह से याद भी रखो। क्लियर हो गया? यस। तो जनरलाइज इस तरह से लिखा गया, मान लो m+n+p टोटल ऑब्जेक्ट थे, एक ग्रुप में m डाले, दूसरे ग्रुप में n दिए, दूसरे ग्रुप में p दिए थे, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? m+n+p होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। क्लियर हो गया? यस सर। अब इसी में आगे और भी कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लो किसी दो ग्रुप में सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट चलेगा, किसी दो ग्रुप में क्या चल गए सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल एक में मान लो चार दे दिए, दूसरे में तीन दे दिए, दूसरे में एक और में चार दे दिए, ठीक है, टोटल कितने हो गए? आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह ऑब्जेक्ट थे। अब जब इनका आप काउंट करोगे, ऐसे नॉर्मल आंसर कितना आएगा? 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, है ना। Yes. लेकिन इसमें कुछ कुछ चीजें सेम रिपीट हो, जैसे मान लो मैंने एक अरेंजमेंट में क्या करा, एबीसीडी यहाँ दे दिया, ईएफजी यहाँ दिया, एचआईजे यहाँ पे दे दिया, एक अरेंजमेंट में एचआईजे यहाँ दे दिया, ईएफजी यहाँ दे दिया और एबीसीडी यहाँ दे दिया। अब देखो ईएफजी एल एल, तो बेसिकली देखो ये और ये सेम ही तो है, मेरे को तो ग्रुप्स में बांटने थे सिर्फ, ये थोड़ी मतलब समझ आ रहा है? यस सर। अरे तो जब सेम टाइप के होंगे तो कुछ कुछ रिपीटेटेड काउंट होंगे, तो आप जैसे वहां पे करते थे ना सेम लेटर होता, जैसे मान लो एस एम ए डबल एल, स्मॉल को अरेंज करने का तरीका क्या होता था? 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दो बार एल करने से बहुत सारे रिपीट काउंट रहा, तो जितनी बार रिपीट हो उससे क्या करते, डिवाइड करते थे, याद आ रहा है? यस सर। सेम काम करना है, अभी फोर और फोर दो बार रिपीट हो रहे हैं, तो क्या करोगे? 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करोगे, 2 फैक्टोरियल से क्या करोगे? डिवाइड कर दो। आ गई बात समझ में? यस सर। जैसे मान लो एक और बताओ इसका आंसर कितना है? कितने हो गए? 12। इसका आंसर बताओ कितना है? 12 ग्रुप, 12 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को मैंने पांच ग्रुप्स में बांटा है, तो टोटल तरीके कितने होंगे बताओ? 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, हाँ, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। यस सर। कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन आए तो? यस सर। यस सर। ये पूरा प्रोसेस था डिवीजन का, ये पूरा प्रोसेस क्या था? डिवीजन। तो डिवीजन इस तरह से करना है, तीन ग्रुप्स में बांटना है ना, और वो तीन आपने ढेरी बना दी एक तरह से, मान लो आपके पास ऑब्जेक्ट थे, आपने आप तीन तरह की ढेरी बना दी, जैसे मान लो कोई सब्जी वाला रहता है ना, तो सब्जी वाला क्या करता है कि तीन तरह के अलग अलग उसको बांट दिया मान लो। अब कुछ प्रोसेस में डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों होगा, तो फिर डिवीजन करने के बाद आपको उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, तो ये भी बहुत आसान है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, सुनना ध्यान से। मान लो मेरे पास अगेन कुछ डिफरेंट टॉयज थे या फिर कुछ ऑब्जेक्ट थे डिफरेंट, उसको मैंने अलग अलग ग्रुप में बांटा, एक में चार दे दिए, एक में तीन दे दिए, एक में दो दे दिए, टोटल नौ डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे, उसको मैंने तीन ग्रुप्स में बांटा, और बोला कि डिवीजन करने के बाद ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट अमंग 3 पर्सन। डिवीजन तो कर दिया, फिर तीन लोगों में बांट भी देना, तो डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों करना है, ना? तो बहुत आसान है। तो डिवीजन करने के तरीके क्या हो जाएंगे? ये सही है? यस सर।
ये तो आपका प्रोसेस होगा डिवीजन का। अब बेसिकली तीन पोटलियां बन गई है ना, तीन। यस सर अब तीन पोटली को तीन लोगों में बांटना है, तीन पोटली को तीन लोगों में बांटने का तरीका क्या होगा? थ्री थ्री फैक्टोरियल या फैक्टोरियल आपका क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों आता है तो कुछ भी नहीं करना है, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देना, थ्री फैक्टोरियल। कितने लोगों को उतने फैक्टोरियल से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर। आ रही बात समझ में? यस सर बहुत बढ़िया। अब इसमें एक बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। क्या आपके पास 52 कार्ड्स हैं? तो क्वेश्चन ये है, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 52 कार्ड्स इक्वली अमंग 4%। बताओ, करो ट्राई। आंसर आया आपका? देखो, 52 पत्ते को चार लोगों में इक्वली बांटना है, तो एक एक को कितने मिलेंगे बोलो? 13। हाँ, 13 13, 13 13 पत्ते सबको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे यस डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों करना है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो डिवीजन करते हैं। तो बता, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन कितना होगा? 52 फैक्टोरियल बोलो सर, डिवाइड बाय 13 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 13 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
इनटू वन बाय फोर फैक्टोरियल इनटू वन बाय फोर फैक्टोरियल, ये डिवीजन हो गया, क्लियर हो गया। चार लोगों में बांटने के लिए चार से इनटू फिर करेंगे तो फोर से फोर कट जाएगा। अब वेरी गुड, अब डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है इसको चार लोगों में, क्योंकि चार अलग अलग लोग खेल भी रहे तो मल्टीप्लाई पे क्या कर देंगे फोर फैक्टर, तो आपके फाइनल आंसर में ये दोनों कट जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप आएंगे तो कर लोगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये था डिविजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, समझा दिया आपको मैंने। इसके अलावा तो क्या था इसके अंदर, एक आइडेंटिकल का जो केस आता है उसमें बस आपको नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन बस ध्यान रखना, कल तो मैंने डिस्टिंग ऑब्जेक्ट का तो बताया ही था मैंने। अगर मान लो मेरे पास n डिस्टिंग ऑब्जेक्ट है, तो मैंने बताओ टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग कितना होगा, क्या आंसर आया था? n फैक्टोरियल। नहीं, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग याद करो, मतलब
एग्जांपल दिया था, देखो ध्यान से। मान लो आपके पास चार फिजिक्स की बुक है, पांच मैथ की बुक है, या फिर तीन मैथ की बुक है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग क्या बताया था आपने। अब इसमें बोला गया नहीं कितनी बुक्स को सिलेक्ट करना है, आप या तो जीरो बुक को सिलेक्ट करोगे, तो एक को करोगे, दो को करोगे, तो 7C0 प्लस 7C1 प्लस 7C2 प्लस 7C3 या फिर 7C7 है ना, तो 2 की पावर 7 आया था, याद आ रहा है? यस सर, यस सर। तो फिर भूल गए कि नंबर ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट अगर है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग कितना होगा? 2 की पावर n, 2 की पावर n है ना, 2 की पावर। और इसी में एक केस बताया था मैंने कि अगर क्वेश्चन में ये बोला एट लीस्ट वन हैज टू बी सिलेक्टेड तो कितना आएगा? माइनस वन। जो भी पूरा टोटल आंसर है उसमें माइनस वन कर दोगे? यस सर। वो केस माइनस कर देंगे जिसमें एक भी ऑब्जेक्ट ना लिया हो, तो 2 की पावर n माइनस वन है ना। यस ये हमने देखा था डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए कल। अब आज देखना है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग फॉर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। समझना अच्छे से। अब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के लिए सोचना है, ठीक है, सोचते हैं इसको ना एग्जांपल से एकदम प्रैक्टिकली सोचते हैं। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट क्या है अपन, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं कोई बताओ। जैसे मान लो आपका बर्थडे है, आप घर में कल स्कूल में चॉकलेट बांटनी है, तो एक इक्लेयर्स का डब्बा लेके आए टॉफी का, है ना, तो सारी इक्लेयर आइडेंटिकली होगी? यस सर, यस सर। ये टॉफी का डब्बा है चॉकलेट का, इसके अंदर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो पहले छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कितने मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आइडेंटिकल चॉकलेट्स हैं। मैं आपको अगर ये पूछता हूँ सोच समझ के बताना, पहला क्वेश्चन फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 चॉकलेट्स। सोच समझ के जल्दबाजी में मत देना, आराम से शांति से बता। 7C3 क्या ये आंसर सही है? एक डब्बे में 7 आइडेंटिकल चॉकलेट है, मैंने बोला है कि जाओ 3 चॉकलेट लेके आओ, तो आप बता रहे हो 3 चॉकलेट लाने के 7C3 तरीके होंगे? नो सर। तो फिर कितना आएगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझ पा रहे हो? यस सर। अब इसको प्रैक्टिकली सोचो, इस चैप्टर को भूल जाओ। मान लो अपन ऐसे घर में बैठे हैं, है ना, मैंने बोला जाओ 3 चॉकलेट लेके आओ, आप जाओगे 3 चॉकलेट लेके आ जाओगे, है ना? यस सर। तो बस जाओगे, सारी आइडेंटिकल है, बस उसमें से 3 चॉकलेट उठाओगे, वहां पे कोई दिमाग लगाओगे क्या कि नहीं कौन सी थोड़ी नीचे वाली लूं, थोड़ी ऊपर वाली लूं, थोड़ी लेफ्ट वाली लूं या राइट वाली लूं? आप तो बस 3 चॉकलेट उठा लोगे ना, सब आइडेंटिकली तो है ना। यस। तो कितना तरीका होगा? एक ही तो तरीका होगा, एक ही तरीका। अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते तो अलग अलग तरीके होते हैं, इसलिए मैं तो स्टार्टिंग में जब चैप्टर चालू किया था तभी मैंने बता दिया था कि जो एनसीआर एनपीआर के जितने फॉर्मूले अप्लाई होते हैं वो सब डिस्टिंक ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई होते हैं। यहाँ पे कितना होगा? 1 वे। समझ में आ रहा है? यस सर। मैं अगर आपको बोलूंगा जाओ 3 चॉकलेट लेके आओ, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 चॉकलेट आउट ऑफ 7 आइडेंटिकल चॉकलेट क्या है? एक ही तरीका है। इसी में अगर मैं दूसरा क्वेश्चन ये पूछता find the number of ways of selecting, मान लो 4 चॉकलेट, अब बताओ कितना आंसर आता है? 1 ही होगा। एक ही तो होगा, एक ओके 4 लाओ, एक ही तरीका होता है ना? यस सर, यस सर। अब इसको जनरलाइज करते हैं, मान लो मेरे पास 7 आइडेंटिकल चॉकलेट है, मैं आपको पूछता हूँ find नंबर ऑफ फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज
of selecting at least one chocolate? One. आराम से शांति से बताओ, इतनी जल्दबाजी क्यों करते हो? समझ नहीं आता, सोचो तो सी पहले, बिना सोचे समझ आता पूरा क्वेश्चन समझो पहले, अच्छे से सोचो। प्रैक्टिकली सोचो। हाँ सात वे है ना? यस सर। कितनी हो गई? एक और। सात चॉकलेट डब्बे में पड़ी हुई थी, मैंने बोला फाइंड द नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन चॉकलेट, आप क्या बोलोगे? या तो एक चॉकलेट लूंगा है ना, या दो चॉकलेट लाएंगे, याद आ रहा पहले जैसे किया था, या तो तीन चॉकलेट लूंगा या सातों के सातों लूंगा है ना। यस सर। एक चॉकलेट लाने का कितना तरीका है? एक तरीका। दो चॉकलेट लाने का भी एक तरीका, तीन चॉकलेट भी लाने का एक तरीका, पांच चॉकलेट, चार चॉकलेट भी लाने का एक तरीका, पांच चॉकलेट भी लाने का एक तरीका, छह चॉकलेट भी लाने का एक तरीका, और सात चॉकलेट भी लाने का एक तरीका, और या तो एक चॉकलेट या तो दो चॉकलेट या तो तीन चॉकलेट, तो टोटल तरीके क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। यस सर। सेवन वेज है ना, हो गया। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन चॉकलेट इज व्हाट? सेवन तरीका। सात चॉकलेट थी तो सात चॉकलेट, सात ऑब्जेक्ट थे तो सात ऑब्जेक्ट में अगर ये पूछता है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन, अच्छा इसमें वो दूसरा फर्स्ट वाला पता, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग क्या होता? इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता कि मान लो मैंने सिलेक्ट ही नहीं करी, वो भी काउंट करेंगे, जीरो चॉकलेट ले लिए तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? एट। एट वेज आया ना, याद है वहां पे टू की पावर एन में जीरो वाला भी कंसीडर किया था। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। बहुत बढ़िया, तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं जनरलाइज करता हूँ, एक मिनट बस, इसी कॉन्सेप्ट को मैं जनरलाइज कर देता हूँ एन ऑब्जेक्ट के लिए। एक सेकंड, अरे ये काम क्या हो गया? आंसर बताना मुझे। देयर आर एन एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। पहला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन बताओ शांति से। कितना आएगा n ऑब्जेक्ट के टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितना आएगा? n प्लस वन। वेरी n प्लस वन। वेरी गुड। बोल प्लस वन। एट लीस्ट वन हैज टू बी सिलेक्टेड। n वेज। n वेज। n है ना, पिछले क्वेश्चन में जैसे सात होते तो एटलीस्ट वन में सात आया था, टोटल में आठ आया था है ना, ये आपको फॉर्मूला है। एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का तरीका क्या आएगा? एन प्लस वन और एटलीस्ट वन का एन, और डिस्टिंक्ट वाले में फॉर्मूला क्या बनेगा? टू की पावर एन और एटलीस्ट वन में टू की पावर एन माइनस वन, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। इसका एप्लीकेशन बहुत अच्छा है। रुको एक, इसका क्वेश्चन कहा जैसे, अच्छा रुको एक चीज और बता, इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता पहले वो सुन दो। मान लो मेरे पास तीन तरह के दो तीन तरह के आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, सुनना ध्यान से। फाइव आइडेंटिकल कुछ बोलो, जैसे मान लो फाइव आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट किस तरह से, फाइव आइडेंटिकल मान लो इक्लेयर्स, सेवन आइडेंटिकल फाइव स्टार्स और फोर आइडेंटिकल पर्क। क्लियर है? आइडेंटिकल थे लेकिन तीन टाइप में, पांच तरह की आइडेंटिकल इक्लेयर थी, सात तरह की आइडेंटिकल फाइव स्टार थी या कोई भी चॉकलेट थी, और चार तरह के आइडेंटिकल पर्क थी। वापिस मैं पूछता हूं, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग कितना होगा ये पूछा था,
अब देखो अच्छा कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले मुझे बताओ इक्लेयर्स को सिलेक्ट करने कितने तरीके होंगे, पांच आइडेंटिकल इक्लेयर्स को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, छह तरीके, फाइव प्लस वन है ना, यस सर, अरे बोलो, सात आइडेंटिकल फाइव स्टार को सिलेक्ट करने कितने तरीके होंगे, आठ, सेवन प्लस वन आठ, और चार आइडेंटिकल पर्क को सिलेक्ट करने कितने तरीके होंगे, चार प्लस एक पांच आया ना, yes, और आपके टोटल तरीके हो जाएंगे दिस इनटू दिस इनटू दिस, आपका आंसर क्या आ जाएगा, सिक्स इंटू एट इंटू फाइव, फाइव, क्लियर है, और मैं बोलता है एटलीस्ट वन हैज टू बी सिलेक्टेड, फाइव इंटू सेवन इंटू फोर, नहीं 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 टोटल तरीके में से सिर्फ एक तरीका माइनस कर, जिसमें कुछ भी नहीं लिया वो मत कर देना, समझ में आ रहा है, क्योंकि कुछ भी नहीं लेने का सिर्फ एक ही तो तरीका होगा, कि आपने कुछ भी नहीं लिया, वो तो एक ही तरीका है ना सिर्फ, यस सर, तो क्या करोगे, ये टोटल तरीकों में से सिर्फ क्या कर देना माइनस वन, क्योंकि वो कुछ भी नहीं लेने का तो सिर्फ एक ही तरीका होगा, आप फाइव इंटू सेवन इंटू फोर करो तो उसमें क्या हो जाएगा, मान लो आपने क्लियर नहीं लेकिन ये दोनों ले ली तो उसमें तो कुछ ना कुछ तो ले ही रहे हो ना, तो बस टोटल तरीके में से माइनस वन करते, आई बात समझ में, यस सर, यस सर, ठीक है, तो इसी का जो सेकंड कॉन्सेप्ट भी यहीं पे लिख देता हूं, पी आइडेंटिकल ऑफ वन टाइप, क्यू आइडेंटिकल एंड आर आइडेंटिकल, तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, P plus 1 into Q plus 1 into R plus 1. At least one में, at least one has to be selected, ये condition है. तो P plus 1 into Q plus 1 into R plus 1 total में से क्या कर दोगे? Minus 1. Minus 1. Yes, sir. ठीक है. अब एक question. Find total number of possible factors of, कोई एक नंबर है उसके टोटल कितने पॉसिबल फैक्टर होंगे ये पूछा गया, तो अभी आसान ले लेते, मान लो 12, पारा के टोटल कितने फैक्टर होंगे ये पूछा गया, तो नंबर छोटा है तो यहाँ पे तो खैर मैं मैन्युअली भी काउंट कर सकता हूँ, तो अगर मैन्युअली काउंट करोगे तो कितने आने चाहिए बताओ, 12 के कितने फैक्टर है टोटल, अरे बोलो 12 के फैक्टर्स कौन कौन है, फैक्टर समझते हो कि नहीं, टू एंड थ्री, यस सर, है ना, जो इस ऐसे नंबर जो इसको डिवाइड कर दे क्या क्या होंगे फैक्टर्स ऑफ 12 बताओ, वन होगा क्या, टू फोर एंड वन, टू वन तो हो गए ना, वन टू, फिर टू के बाद थ्री, 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 फोर, टोटल कितने फैक्टर्स लगे, ठीक है, अब खेल यहाँ पे नंबर छोटा था तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नंबर में मान लो ज्यादा बड़ा को दे देता तो बहुत लेंदी जाएगी कैलकुलेशन, है ना, यस सर, अब इसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन की मदद से देखो कैसे करेंगे वो समझना, 12 जो है 12 को मैं 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करूंगा तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 आया ना, यस सर, बोलो, अब कॉन्सेप्ट को समझना, आपके जितने भी ये फैक्टर आ रहे हैं 1 2 3 4 6 और 12 ये बन कैसे रहे, इन्हीं की मदद से बन रहे, देखो 2 बनना ही नहीं, 2 की पावर 1 चाहिएगा, 3 बनाने के लिए 3 की पावर 1 चाहिएगा, 4 बनाने के लिए 2 की पावर 2 चाहिएगा, 6 बनाने के लिए 1 2 चाहिएगा, 1 3 चाहिएगा, 12 बनाने के लिए 2 2 चाहिएगा, 1 3 चाहिएगा, और 1 बनाने के लिए 2 की पावर 0 3 की पावर 0 चाहिए, है ना, यस सर, बोलो, यस सर, इसी के लिए आप काम क्या कर रहे हो, आप सिलेक्ट ही कर रहे हो, अब देखो आपके पास 2 इक्लेयर है और 1 फाइव स्टार है, समझ पा रहे हो, 2 इक्लेयर है, 2 की पावर 2 है,
देखो ये दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है और एक आइडेंटिकल ऑफ वन टाइप. अब नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, या तो आप मान लो कुछ भी नहीं लोगे, या तो आप मान लो एक ही क्लियर ले लोगे, या फिर एक फाइव स्टार, दो ही क्लियर, एक ही क्लियर, एक फाइव स्टार, दो ही क्लियर, एक फाइव स्टार. तो बेसिकली कर क्या रहा हूँ, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट टू ऑफ वन काइंड, थ्री ऑफ वन काइंड है ना. तो पावर यहाँ पे क्या है, एक की पावर टू है और एक की पावर वन है. तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, देखो अगर मान लो पहले पांच पांच आइडेंटिकली क्लियर थी तो फाइव प्लस वन, सेवन का था सेवन प्लस वन, फोर का क्या था फोर प्लस वन. यहाँ पे कितनी आइडेंटिकल, दो दो एक है और एक एक है, तो नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएगा, टू प्लस वन मल्टीप्लाई बाय वन प्लस वन, कुछ गड़बड़ो, हाँ तो कितना आ जाएगा, थ्री मल्टीप्लाई बाय टू दैट इज सिक्स. अब इसको ना थोड़ा अच्छा एक और अच्छा बड़ा एग्जांपल लेते हैं. मान लो कोई नंबर एन, इसमें मेरे पास टू की पावर आ रहा है मान लो फोर, थ्री की पावर आ रहा है मान लो फाइव, फाइव की पावर आ रहा है मान लो टू. मैं पूछता भाई नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ, तो बेसिकली आप आपका कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है कि आपके पास चार आइडेंटिकल दो है, पांच आइडेंटिकल तीन है और दो आइडेंटिकल पांच है. मतलब ऐसा समझो चार एप्पल, पांच ऑरेंज और दो बनाना. नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग पूछा है तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग क्या हो जाएगा, फोर प्लस वन मल्टीप्लाई बाय फाइव प्लस वन मल्टीप्लाई बाय टू प्लस वन है ना, फाइव प्लस वन टू प्लस वन. यस सर. तो इससे क्या, इससे आपका क्या जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका कितना आ जाएगा, पांच गुणित छह गुणित तीन कितना आ जाएगा, जो भी आंसर आए. क्लियर है, समझ आ रहा है? यस सर. इसी में कभी कभी एक वर्ड यूज होता है नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर. बताओ अब प्रॉपर फैक्टर का एक वर्ड यूज होता है प्रॉपर फैक्टर, मतलब उस नंबर को इंक्लूड नहीं करना है, उस नंबर को इंक्लूड नहीं करना. तो टोटल जो भी आंसर आएगा उसमें से क्या कर देना, माइनस वन है ना. जैसे बारह की बात करूंगा तो बारह के प्रॉपर फैक्टर कितने आ जाएंगे, पांच, बारह को इंक्लूड नहीं करेंगे. तो क्लियर है, ये हो गया टोटल फैक्टर. और मैं बोलूंगा प्रॉपर फैक्टर, तो जो भी टोटल आंसर है उसमें से माइनस वन का आंसर आ जाएगा पांच. क्लियर. तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे इस तरह का कॉन्सेप्ट है, पी आइडेंटिकल ऑफ वन टाइप, क्यू आइडेंटिकल ऑफ वन टाइप, आर आइडेंटिकल ऑफ वन टाइप, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग क्या जाएगा, पी प्लस वन इंटू क्यू प्लस वन इंटू आर प्लस वन. समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट की नहीं, जल्दी बोलो. यस सर. यस सर. ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप. ठीक है, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा. कल ने वो भी 10 मिनट और बोलो. yes, आया ना. यस सर. ठीक है, सीख लो, चलो उसको भी आखिरी में कंप्लीट हो जाएगा पूरा चैप्टर. डिविजन ऑफ, पहले अपन ने डिस्टिंग ऑब्जेक्ट का किया था, अब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप. इसके देखो दो फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करो आंसर आ जाएगा. वो फॉर्मूला कैसे आया वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा, बाकी आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो. दो के साथ में इसमें नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इनटू आर ग्रुप्स इफ any of the group can be empty also. मतलब किसी ग्रुप में मान लो खाली भी रख सकते हो. जैसे मान लो पांच पांच आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को तीन ग्रुप में बांटना था, तो आपने क्या करा, एक में तीन ऑब्जेक्ट दे दिए, एक में दो ऑब्जेक्ट दे दिए और एक को खाली रख दिया, तो वो भी अलाउड है, खाली भी अलाउड है. तो उसके कितने तरीके होंगे, उसका एक फॉर्मूला. और सेकेंड फॉर्मूला करना है नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग
r identical object into r group if no group should be empty. मतलब हर ग्रुप में कुछ ना कुछ तो आना ही चाहिए, हर ग्रुप में कम से कम एक तो आना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई ग्रुप को खाली नहीं रखना है. तो इसका दूसरा फॉर्मूला, तो दो तरह के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं. तो पहले मैं डिराइव करा देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा, मतलब इसका डेरिवेशन बहुत अच्छा है, अगर फॉर्मूला भूल भी जाओगे तो डेरिवेशन साथ हाथ निकल जाएगा. सुनना ध्यान से, थोड़ा सा समझ के समझना इसको कि क्या डेरिवेशन करने के लिए भी एक एग्जांपल ही ले रहे हैं अपन. समझना अच्छे से. यस सर. मान लो मेरे पास कुछ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट थे, मान लो एप्पल, एप्पल ही मान लो. ये अभी डायग्राम ऐसा बन नहीं रहा लेकिन आप अज्यूम करना है आइडेंटिकल है. कितने एप्पल है मेरे पास? 7 आया ना. अब 7 एप्पल को, ये 7 आइडेंटिकल एप्पल को या बॉल्स को, जो भी समझना, बॉल्स ले लो, 7 आइडेंटिकल बॉल्स को मुझे 3 ग्रुप्स में बांटना है. किसी का माइक ऑन है बंद कर दो. 7 आइडेंटिकल बॉल्स को मुझे 3 ग्रुप में बांटना है, मतलब डिवीजन करना है. एक ग्रुप में मान लो 3 आ सकते हैं, दूसरे ग्रुप में मान लो 1 आ जाएगा, कितने हो गए 4, या फिर एक काम करो 3 4 2 कितने हो गए, 4 और 3 7 और 9, तो 9 ले लेते हैं. अभी आई सेम टाइप का लेंगे तो फिर कंफ्यूजन होगा, तो पहले नो ऑब्जेक्ट का कंसीडर कर लेते. तो नो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, नो आइडेंटिकल बॉल्स को मुझे 3 ग्रुप में बांटना है. एक ग्रुप में 3 होनी चाहिए, एक में 4 होनी चाहिए और एक ग्रुप में 2 होनी चाहिए. आ रहा समझ में या फिर नहीं? yes, और इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा आपका. आप सिर्फ आर ग्रुप्स में बांटना है, कितने ग्रुप में क्या होगा वो नहीं आएगा. एंड 9 आइडेंटिकल बॉल्स को आपको मान लो 3 ग्रुप्स में बांटना है, किसी ग्रुप में भी कितना भी हो सकता है. बस ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे. सॉरी, वो तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में आते थे, किस में कितना होना चाहिए. 9 आइडेंटिकल बॉल्स को आपको 3 ग्रुप में बांटना है और किसी भी ग्रुप में कितने भी हो सकते हैं. ये काम करना है, तो इस काम को करने के कितने तरीके होंगे वो समझना है. अब समझना ध्यान से. तो मैंने क्या करा, 9 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप्स में बांटना था ना, तो जितने ग्रुप्स थे उससे एक कम स्टिक कंसीडर करी. क्या स्टिक कंसीडर करी? स्टिक, ऐसी एक डंडी. अब जैसे तो मैंने क्या करा, 3 ग्रुप्स में बांटना है तो 2 स्टिक कंसीडर करी. अब देखो, इन 2 स्टिक को अगर मैं कहीं पे भी रख दूंगा, यहाँ पे रखने के बाद देखो अपने आप आपको दिख रहे, 3 ग्रुप में बढ़ गए सारे ऑब्जेक्ट, है ना? यस सर. मान लो एक बार यहाँ रखा मैंने, एक बार मान लो यहाँ रखा, एक बार मान लो मैंने एक को यहाँ रख दिया, एक को यहाँ रख दिया, तो वापस देखो 3 ग्रुप में बढ़ गए. एक ग्रुप में एक ऑब्जेक्ट, एक ग्रुप में इतने, एक दूसरे ग्रुप में इतने. एक बार आपने मान लो एक को यहाँ रखा, एक को यहाँ रखा, अभी भी 3 ग्रुप में बढ़ गए, एक में एक, एक में एक, बच्चे में ये. आपने मान लो एक को यहाँ रख दिया, एक को यहाँ रख दिया, तो अभी भी 3 ग्रुप में बढ़ गए, 1 2 और 3 ग्रुप, है ना? आपस में क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? अब ये 2 स्टिक कहीं पे भी हो सकती है. मान लो एक स्टिक यहाँ हो गई, एक स्टिक को यहाँ रख दिया, अभी भी 3 ग्रुप है. देखो ध्यान से, एक ग्रुप में 0 आइटम, एक ग्रुप में 2 आइटम, एक ग्रुप में कितना आइटम है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना? अगर एक स्टिक को यहाँ रख दिया, एक को यहाँ रख दिया, मान लो एक स्टिक को मैंने यहाँ रख दिया, एक स्टिक को यहाँ रख दिया, तो एक ग्रुप में 6, एक ग्रुप में 2, एक ग्रुप में 1, तो देखो ये 3 में बढ़ गए. यस सर. तो मेरे को क्या करना है, इन स्टिक्स को रखना है. इन स्टिक्स को कहाँ रखना है, इनके गैप्स में रखना है. यस सर. है ना, मिस्टिक्स को क्या करना है, इनके गैप्स में रखना है. अच्छा, और या फिर आप ऐसा सोचो,
नो आइडेंटिकल बॉल और दो स्टिक, टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए 11, है ना। इन 11 ऑब्जेक्ट को आपस में अरेंज करने के जितने तरीके निकलेंगे, देखो ये 11 ऑब्जेक्ट आपस में अरेंज होंगे, ये 11 ऑब्जेक्ट आपस में जब अरेंज होंगे तो जितने भी तरीके होंगे हर तरीके में मेरा जो रेड बॉल है 3 ग्रुप में बढ़ जाएगा। इसको आप ऐसे समझिए, थोड़ा सा एग्जांपल लेके जैसे मान लो आपके पास मान लो 5 ही ऑब्जेक्ट थे और 2 स्टिक थी, तो टोटल ऑब्जेक्ट कितने हो गए 5 और 2 7। अब इन 7 ऑब्जेक्ट को आपस में जब मैं अरेंज करूंगा तो 7 ऑब्जेक्ट को आपस में अरेंज करने के जितने तरीके निकलेंगे उतने ही मेरे क्या होंगे नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, है ना। तो अब देखो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, मान लो ए ए ए ए ए ई ई, इसको अरेंज करने का कितना तरीका होगा, टोटल ऑब्जेक्ट कितने हो गए 5, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, है ना। यस सर। इन सबको आपस में अरेंज करने का तरीका क्या होगा, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सेम यहां पे भी इन सबको आपस में अरेंज करने का कितना तरीका होगा, टोटल 9 बॉल्स 2 स्टिक डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, है ना। यस सर। ठीक है, तो यही कांसेप्ट आया। क्या कांसेप्ट आया, यही वाला कि अगर मेरे पास एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं किसी ग्रुप में खाली भी रह सकता है। अब देखो यहाँ पे अरेंज जब करूंगा एक अरेंजमेंट ऐसा भी तो आएगा जिसमें मान लो दोनों स्टिक साथ में आ गई, दोनों स्टिक मान लो क्या आ गई साथ में आ गई, मान लो एक स्टिक को यहाँ रख दिया एक स्टिक को यहाँ रख दिया, तो क्या हुआ एक ग्रुप में 0 आइटम हो गए, एक में कितने हो गए 4, एक में कितने हो गए 5, तो साथ में भी आ सकती है, आया ना। तो अगर मान लो 0 किसी ग्रुप में 0 भी अलाउड है तो ये भी इसमें काउंट हो रहा है अपने आप। तो एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, इनको अगर आर ग्रुप्स में बांटना है तो मुझे बताओ आर ग्रुप्स में बांटने के लिए कितनी स्टिक्स चाहिएगी, R-1। वेरी गुड। आपके पास अब टोटल ऑब्जेक्ट कितने हो गए n प्लस R-1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इनटू R-1 फैक्टोरियल, आया ना। यस सर। नंबर ऑफ वेज, और इसमें किसी ग्रुप में 0 भी आ सकते हैं वो भी काउंट होगा। अब इसको लिखने का एक और तरीका है n प्लस R-1 c R-1। देखो इसका फॉर्मूले को ओपन करो तो यही तो आएगा, देखो ध्यान से। yes, है ना। यही आपका फॉर्मूला सारे बुक्स में दिया रहता है, मैथ इसका डेरिवेशन नहीं रहता है। द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इनटू आर ग्रुप्स, इनटू आर ग्रुप्स कोई भी ग्रुप खाली भी अगर रह सकता है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा याद रख लेना आप, एन प्लस R-1 सी R-1। माइनस वन क्यों करे, उतनी एक कम स्टिक लेते हैं इसलिए। अब ये आपको देखो डेरिवेशन बताए ना तो ये याद रह जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। बोलो तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा एन प्लस R-1 सी R-1। ठीक है। अब सेकेंड टाइप, अगर मान लो कोई भी ग्रुप खाली नहीं रह सकता, वो ऐसा स्टिक को साथ में नहीं रख सकते, मतलब इस तरह से नहीं रख सकते कि दोनों स्टिक साथ, क्योंकि अब जब दोनों स्टिक साथ में आ जाएगी तो एक ग्रुप आपका एम्प्टी हो जाएगा। एक ग्रुप में 4 ऑब्जेक्ट, एक ग्रुप में 5 ऑब्जेक्ट, एक ग्रुप में कितना है 0 ऑब्जेक्ट, तो दोनों स्टिक को आप साथ में नहीं रख सकते। साथ में नहीं रख सकते मतलब क्या करना पड़ेगा, गैप में रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, गैप में। तब गैप मेथड से अपन उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो वापस सुन, मान लो मेरे पास 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट थे, मुझे उसको बांटना था 3 ग्रुप्स में, 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप में मुझे तोड़ना है। नो ग्रुप शुड बी एम्प्टी। तो वापिस अगर 3 ग्रुप में बांटना है तो कितनी स्टिक कंसीडर करोगे, बोलो 2। अब 2 स्टिक कंसीडर करेंगे लेकिन दोनों स्टिक को साथ में नहीं रख सकते, क्योंकि अगर साथ में रख दे तो एक ग्रुप खाली रह जाएगा। तो साथ में नहीं रख सकते मतलब क्या रखना पड़ेगा, गैप में रखना पड़ेगा। तो कितने गैप है, 1 2। तो हम क्या करना पड़ेगा, खाली नहीं रह सकता मतलब टू बी पुट इन गैप्स। क्लियर है? यस सर। चलो अब समझना ध्यान से। तो सबसे पहले तो मैं गैप्स देखता हूँ, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 गैप है। इन 6 में से मुझे कितने गैप सिलेक्ट करने, 2। दो
है ना, इन छह में से मान लो कोई भी दो गैप अपने सिलेक्ट कर लिए सर। हाँ लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ जाएगा, मान लो अगर कॉर्नर वाला गैप ले लिया तो यहाँ पे एक, एक में जीरो आइटम आ जाएंगे, तो आप कॉर्नर वाला भी नहीं ले सकते। हाँ है ना, यस सर। तो ये वाला गैप ले सकते हैं अपन? नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर इस यहाँ पे मेरी स्टिक आ गई और एक स्टिक मान लो मैंने कहीं और रख दी, तो एक में तीन, एक में दो और एक एक ग्रुप में जीरो आ गया, तो आप कॉर्नर नहीं ले सकते। तो आप कौन कौन से गैप ले सकते हो? ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, है ना। तो कितने गैप्स हुए? चार गैप। फोर। कितने गैप हुए? चार, है ना। इन चार में से कितने गैप सिलेक्ट करने? मुझे दो गैप सिलेक्ट करने, दो गैप। आंसर क्या आ जाएगा? 4C2। फोर सी सिलेक्ट ही करना है, क्योंकि आपस में अरेंज करोगे तो एक ही तरीका है ना, इन दोनों दो स्टिक का आइडेंटिकल है, आपस में इन दोनों स्टिक को अरेंज करने का तरीका एक फैक्टोरियल, और आपस में इन ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका भी एक फैक्टोरियल, तो आपको फाइनल आंसर क्या आएगा? 4C2। अब 4C2 कैसे बनेगा? देखो ऑब्जेक्ट कितने थे? पांच थे, तो पांच से चार कब बनता है? 5-1। और ग्रुप्स कितने थे? तीन, तो 3-1। ठीक है, तो 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को तीन ग्रुप्स में अगर बांटना है कि कोई भी ग्रुप खाली ना रहे, वैसे ही n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को r ग्रुप में बांटना है, कोई भी ग्रुप खाली ना रहे, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n-1 cr-1 यही फॉर्मूला आपकी बुक्स में दिया होगा। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने, उसका डेरिवेशन भी लॉजिकली मैंने बता दिया। कोई भी ग्रुप अगर खाली रह सकता है तो फॉर्मूला बनेगा n+r-1 cr-1। कोई भी ग्रुप अगर खाली नहीं रह सकता तो फॉर्मूला क्या बनेगा? n-1 cr-1। थोड़ा बहुत समझ में आया? यस सर। यस सर। बोलो। ठीक है, ओके। यस सर। घर पे इसकी मॉड्यूल जो है अवंती वाली मॉड्यूल, उसकी थ्योरी एक बार देखना तो देख लेना, उसमें थ्योरी में तो सॉल्व इलस्ट्रेशन ट्राई करना तो ट्राई कर लेना, ये जो टॉपिक मैंने आज पढ़ाया उससे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूले मैंने सारे बता दिए, एक बार इसके शॉर्ट नोट बना लेना, सारे फॉर्मूलों को एक जगह पे लिख लेना पूरे चैप्टर के, ताकि आपको और समझ में आ जाएगा। शॉर्ट नोट बनाने के बाद एक बार मॉड्यूल की जो थ्योरी है उसको एक बार देख के उसके सॉल्व एग्जाम्पल भी देख लोगे तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। मैं मॉड्यूल अभी आपको भेज दूँ, क्लियर है? ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।